दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेन यादव। दोस्तों आज इस वीडियो में रीड शिक्षक भर्ती 2020 सिलेबस पैटर्न विज्ञप्ति को लेकर 2018 एलडीसी के चयनित अभ्यर्थियों उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर की कब तक नियुक्ति होगी, आरएस भर्ती 2018 का परिणाम कब तक आएगा, एलडीसी 2013 पंचायत राज विभाग की जो नियुक्ति उसके जो कैलेंडर जारी होना नियुक्ति जारी होनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 मार्च को घोषणा की थी अभी नियुक्ति प्रक्रिया इसकी बाकी है, और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसके एक विषय का परिणाम बाकी है, और आवंटन जो मंडल आवंटन होना बाकी है उसको लेकर, और रीड शिक्षक भर्ती 2016 उर्मिला कुमारी वाली हो चाहे वो संस्कृत विभाग वाली हो और चाहे 2018 वाली कोशिश वाले मामलो, इन तमाम मैं बिंदुओं पर लेकर इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए आप जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं रीड शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों आप लोग भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 24 दिसंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी 31,000 पदों के लिए, जब मैं खुद मुलाकात करके आया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था, लगातार जो 2 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हमने डलवाया था कि रीट की विसंगतियां दूर करने के लिए, तो दोस्तों जो हम लगातार कोशिश कर रहे थे बीए का वेटेज खत्म हो या कम हो, यानी खत्म हो, क्योंकि लोगों ने एडिशनल डिग्रिया फर्जी ले ली थी, लोगों ने बीए की डिग्रिया फर्जी ले ली थी, क्योंकि एक अभ्यर्थी तैयारी मेहनत करता है, रीट में 120 से 122 नंबर होते हैं लेकिन बीए का वेटेज सिर्फ वो मारे जाते, कई लोगों का चयन नहीं हुआ था, इसलिए 2-3 साल से हमने संघर्ष किया। 7 जून को मुझे याद है मुझे जेल में डाल दिया गया था, लगातार हमने संघर्ष किया लेकिन पिछली सरकार में हमें सफलता नहीं मिली थी। वर्तमान सरकार में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उनके सचिव स्पेशल सेक्रेटरी साहब को अवगत कराया और शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराया, तो उन्होंने हमसे वादा किया और कहा कि इस बार वेटेज कम करेंगे। तो दोस्तों जब मैं 24 दिसंबर को मिला था उस शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम विचार कर रहे हैं कि रीट लेवल फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, रीट लेवल फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, रीट लेवल टू में पहला पेपर जो एनसीटी का जो नियम है जो कोई सिलेबस वही रहेगा, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि वेटेज खत्म करने के लिए कि हम लोग विषय का पेपर अलग से लें, और अलग से लें तो विषय का कितना वेटेज होगा, रीट का कितना वेटेज होगा, या फिर बीए का वेटेज ही 95% या 90% किया जाए। दोस्तों मैंने पहली प्राथमिकता ये दी थी कि 95% या 90% रखा जाए, जिससे वेटेज जो एक बहुत बड़ी है, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, वैसे कोरोना वायरस ही है ये, इन बेरोजगारों की तैयारी कर रहे मेहनत कर रहे हैं वो कोरोना वायरस जैसा आदमियों को खत्म करा नहीं, वेटेज उन योग्य व्यक्तियों के भविष्य को खत्म कर देता है, तो उसमें हमने वादा किया था। तो अब दोस्तों जो मीटिंग पिछली बार मीटिंग हुई, रीट लेवल में कोई चेंज नहीं है, सेकंड में फर्स्ट पेपर वही होगा, अब ये तय करना है कि विषय का पेपर अलग होगा या वेटेज कम होगा, एक तो ये तय होना है, और यदि अलग से होगा तो विषय का वेटेज कितना होगा और रीट का वेटेज कितना होगा, अभी ये तय होना बाकी है कि 30% रीट का होता है या 70% विषय का होता है, जो भी तय होना अभी तक तय नहीं हो पाया, होने वाली मीटिंग में तय होगा, लेकिन ये स्पष्ट है उन्होंने हमसे वादा किया था वेटेज खत्म होगा कि, तो दोस्तों मेरा यही लक्ष्य था वेटेज खत्म होना चाहिए, कोशिश यही है, हमने अभी दोबारा मैं फिर, क्योंकि आज शिक्षा मंत्री जी के छोटे बेटे अविनाश की शादी है, तो शिक्षा मंत्री जी अपने पारिवारिक व्यवहार कार्यक्रम में बिजी है, आज उनका जो प्रोग्राम है जयपुर में, फिर उसके बाद वो कल से वो फ्री हो जाएंगे, तो दोस्तों उसके बाद रीट को लेकर मीटिंग होगी। रीट में और भी विसंगतियां थी जो मैंने अवगत करवाया था कि कॉमर्स के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए, एमए के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, और भी टीएससीपी के अभ्यर्थी थे जिनके 50% बीए में नहीं थी, वहां ओबीसी की सीट नहीं, जनरल में कई समस्याएं थी, हमने अवगत करवाया था। इस संबंध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला हूं, अधिकारी से मिला हूं, उनका कहना यही था कि जो लोग बार बार कह रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, हम असमंजस की स्थिति में हैं, लेवल टू का क्या होगा, तो वो मंत्री जी यही कह रहे थे कि जिसमें पंचायत राज विभाग भी बैठता है, वित्त विधि सारे विभाग के अधिकारी बैठते हैं, कॉमर्स वालों को कैसे शामिल किया जाए, लेवल टू का एक और पेपर होता तो किस आधार पर होगा, कब एग्जाम होगी, कौन सी शिक्षा इसमें पंचायत राज विभाग करवाएगा या बीकानेर निदेशालय करवाएगा, या फिर एक दिन में पेपर एक पारी में होंगे या 2 पारी में होंगे या एक ही दिन होंगे या अलग होंगे, तो बोले कि इसमें कई चीजें हैं, हम नहीं चाहते कि कोई विसंगति हो, भर्ती कोर्ट में अटके, इस कारण समय लग रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि रीट का फर्स्ट पेपर में कोई बदलाव नहीं है, सेकंड पेपर में भी रीट का पहले पेपर में कोई बदलाव नहीं है, अब बस केवल दोस्तों इस आने होने वाली जो आगे मीटिंग होगी शिक्षा मंत्री जी आज फिर हो जाएंगे, उस मीटिंग में केवल यही तय होना है कि जो वेटेज कम होगा
या फिर विषय का पेपर अलग होगा। हालांकि उस समय मंत्री जी ने मुझे मौखिक तौर पे ये कहता था कि हम चाहते हैं कि विषय का पेपर अलग हो, लेकिन दोस्तों विषय का पेपर अलग होने की मैं भी घोषणा करूं तो अलग होगा, लेकिन उसमें नियम तो बनेंगे ना कि किस प्रकार होगा, बीए का कितना वेटेज होगा, विषय का कितना वेटेज होगा और लीड का कितना होगा, कॉमर्स वालों को कैसे शामिल किया जाएगा, वो नियम बनेंगे। और एक इसके अलावा दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, उनके छूट के भी नियम बन रहे। तो दोस्तों इसी वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। आज मेरे अधिकारियों से बीच में बात हुई, अधिकारियों ने कहा था कि जो विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र में सारे अधिकारियों को वहां विधानसभा में कई बार जब पंचायत राज का मामला हो, शिक्षा विभाग का मामला हो, कई मुद्दों को लेकर जवाब देना पड़ता है, तो जब भी विधानसभा चलती है अधिकतर अधिकारी उसमें व्यस्त रहते हैं, और व्यस्तता के कारण वो अभी तक जो विज्ञप्ति को लेकर जो नियम बन रहे थे या विज्ञप्ति से संबंधित जो तैयारी थी वो अधूरी रह गई थी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो बोर्ड की एग्जाम भी चल रही है, तो दोस्तों यही है कि अब मंत्री जी फ्री होंगे तो मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद क्या हो पाएगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो हम दो साल से संघर्ष कर रहे थे कि बीए का वेटेज खत्म हो, जिससे फर्जी डिग्री वाले भी नहीं आएंगे और योग्य अभ्यर्थी के साथ भी गलत नहीं होगा, जो वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा करने के लिए वो तैयार है। जो हमने संघर्ष किया, आज तो कई भी मेंढक छाप आ जाएंगे कि ये हमने ये वेटेज करा दिया होगा, पूरे राजस्थान के बेरोजगारों को पता है कि वेटेज के लिए कौन लड़ा था, पूरे राजस्थान के बेरोजगारों को पता है कि भारत राज्य का कोटा कम कैसे, उसके लिए कौन लड़ा था। मैं उस मुद्दे को नहीं बुलाऊं, लेकिन बात ऐसी है कि एक अभ्यर्थी हूं, अनेक भर्तियां, कभी एलडीसी भर्ती आ जाती है, कभी रीट की भर्ती आ जाती है, कभी सेकंड ग्रेड भर्ती आ जाती है, कभी अजमेर जाता हूं, कभी बीकानेर, हर व्यक्ति के लिए भागना पड़ता है। हालांकि अब मेरी जिम्मेदारी आपको पता वैसे भी कम हो गई, तो नई प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौधरी जी है वही देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं समय निकालकर आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। तो आप लोग जो रीट की तैयारी कर रहे हैं 2020 की, वो अभ्यर्थी चिंतित ना हो, वो अपनी तैयारी रखे, लेवल फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, सेकंड में पहला पेपर वही होगा, क्योंकि कह रहे हम असमंजस की स्थिति में आप क्यों हो दोस्तों, पहले पेपर की तो तैयारी करनी पड़ेगी, कर लीजिए 10-15 दिन कर लीजिए, स्थिति 10-15 दिन में सामने आई जाएगी। हालांकि कल शिक्षा मंत्री जी फ्री हो जाएंगे तो वो मीटिंग करके तय कर देंगे, क्योंकि मैं खुद मैंने ज्ञापन तैयार कर लिया है, कल की छुट्टी है, परसों में जो माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल सेक्रेटरी आरती डोगरा जी और ललित कुमार से मेरी मीटिंग है, और भी कई मामले हैं तो मैं ये चीज वहां भी रखने वाला हूं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, पदों का विवरण जारी हो। और स्पेशल मैंने एक मांग और किया कि डीपीसी हुई है, बैकलॉग के पद हैं, पदोन्नतियां हुई है, स्कूल जो बंद पड़ी थी वो खुली है, तो कई कारण है, पद कई रिक्त पड़े, मैं तो चाहता हूं 30,000 जो पद की घोषणा की है इसको 40-50,000 पदों पर सरकार करे, तो पद बढ़ाने की मैं मांग करें कि पद भी बढ़ाए जाए, पदों की विज्ञप्ति भी, जो ये रीट की विज्ञप्ति भी जारी करें, और जो पैटर्न को लेकर जो कंफ्यूज बना हुआ है, लोग चिंतित है कि वेटेज कम होगा या विषय का पेपर अलग होगा, कैसे होगा, तो उसकी भी स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो। तो दोस्तों मैं मंगलवार को यानी कि कल की सोमवार की छुट्टी है, मैं मुख्यमंत्री जी, स्पेशल सेक्रेटरी और सचिव साहब से मिला और शिक्षा मंत्री जी से मिल रहा हूं, तो कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द वो विज्ञप्ति जारी हो और ये सारी जो दुविधाएं बनी है इसकी तस्वीर साफ हो। तो दोस्तों यही कह सकता हूं मैं आपको कि इस महीने में अप्रैल 1 तक आपकी विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए। आज भी मेरी कुछ अधिकारी से फोन पे बात हुई थी संडे, उनका कहना यही था कि हम लोग विधानसभा में बिजी थे और अभी क्या है कि विधानसभा में जितने क्वेश्चन लगे उनका जवाब हम लोगों को देना पड़ता है, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगे, तो थोड़ा वो उसमें बिजी थे, तो कई जो नियमों को लेकर कि नियमों में विसंगतियां नहीं हो जाए, कोर्ट में ले जाके भर्ती को ना भूल जाते, चाहे अब कॉमर्स का मामला हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक का मामला हो, चाहे दिव्यांग का मामला, सब चीजों को लेकर। इसके अलावा दोस्तों कई लोग विशेष शिक्षकों के भी मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं, तो नई शिक्षा की नीति के अनुसार उनके भी विज्ञप्ति में उनको पदों को लेकर प्राथमिकता दी जाए, ये बात भी मैंने मेरे ज्ञापन में लिखा है, तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री से मिलूंगा या स्पेशल सेक्रेटरी से मिलूंगा, वहां उनकी बात बड़ी मजबूती के साथ रखूंगा। तो ये है 2020 के अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना। कुछ लोगों ने एडिट की हुई एक न्यूज डाली की आज माननीय शिक्षा मंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की इसकी मीटिंग है, तो बिल्कुल अफवाह है, आज कोई मीटिंग नहीं है, आज तो शिक्षा मंत्री जी के छोटे बेटे अविनाश की शादी है और आज पूरा परिवार बिजी है, तो वो केवल आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ नहीं है, इसलिए अब कल वो फ्री हो जाएंगे, मैं खुद मिलूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जल्द मिलने वाला हूं, तो आप अपनी तैयारी चालू रखें, कोशिश यही रहेगी आपकी जल्द से जल्द नियुक्ति जारी हो, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह से और हो सके। अब मैं बात करूंगा दोस्तों एलडीसी भर्ती 2018, दोस्तों 22 तारीख तक आपके काउंसलिंग की अंतिम तिथि है, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी मैंने आपको बताई दिया था पिछले वीडियो में, अब बात है कि 22 तारीख के बाद जो आपके जो आवंटन होगा उसकी लिस्ट भी आएगी, जो भी या फिर वो आदेश के साथ निकाल दे, लेकिन इतना है कि हमारा लक्ष्य यही है
कि जिस प्रकार आप लोगों से वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से फरवरी में आपका रिजल्ट आया और अब जो मार्च में जो आपके विभाग की वैधता सूची वाला जो काम चल रहा है अभी 22 तक चल रहा है, तो दोस्तों आपके इसी महीने में नियुक्ति पत्र के आदेश जारी करवाकर आपसे किया वादा वो निभाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि कुछ लोगों ने कई याचिकाएं लगा रखी है इस भर्ती को रोकने के लिए, लेकिन हर बार हमें सफलता मिली है। आप लोग जो एलडीसी भर्ती 2018 की चयनित अभ्यर्थी हैं, वो आप बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आए, भयभीत ना हो, एकजुट रहे। सचिवालय वाले का प्रोसेस है ही, उनकी भी जल्दी ज्वाइनिंग होगी, आरपीसी वाले की ज्वाइनिंग होगी, सचिवालय अभ्यर्थियों की जो होगी होने वाली है 333 की, अभी दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहा है, शायद 14 तक ही थे, 12 से 14 तक हो गए। अब बात ऐसी है कि आपकी जो अधीनस्थ वाले की ज्वाइनिंग की वो भी 22 के बाद मैं कोशिश करूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर समय मांगा है और मंगलवार को मैं फिर और भर्तियों के संबंध में मिलूंगा, तो ये कहूंगा कि साहब जल्द से जल्द इनके नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए जिससे लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। तो चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आपको लगातार कभी होली का तोहफा, कभी दीपावली का तोहफा, लगातार आपको तोहफा मिलता रहा है, तो इस महीने का एंड भी आपको नियुक्ति आदेश के तोहफे के रूप में मिलेगा। आप नो टेंशन हो, आप बिल्कुल मस्त रहो। आपका भाई हालांकि बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष नहीं रहा, मेरा छोटा भाई रविंद्र है, लेकिन फिर भी मेरी नजर है जो आपसे वादा किया है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ। हालांकि इसमें एक जो 487 अभ्यर्थियों के जो पद काटे गए थे, वो अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहा है, हर जगह चक्कर काट है, उन लोगों की पीड़ा ना समझता, उनकी मैंने आवाज उठाई थी। मैं मंगलवार को मिलूंगा फिर स्पेशल सेक्रेटरी साहब के सामने, वो भी बात रखूंगा, और इनके लिए स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे एसटीएससी के बैकलॉग की वो घोषणा की है, जिस प्रकार सोशल मीडिया पर चल रहा है, अच्छी पहल है, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, 487 पद और बढ़ाए दिए जाते हैं, तो कहने के इन लोगों के सपने साकार होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके कि आप 11,322 लोगों को खुशियों के साथ अब एक एक्स्ट्रा तोहफा इन लोगों को दे दीजिए जो पद घटाए गए अधिकारियों की लापरवाही और तानाशाही कारण कम से कम उनको राहत मिले। तो दोस्तों 487 के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैंने स्पेशल सेक्रेटरी सीएम साहब और सेक्रेटरी साहब से मजबूती से बात की, राजाराम जी से बात की, वो भी कोशिश कर रहे हैं, और मैं खुद एक बार माननीय मुख्यमंत्री से समय ले रहा हूं, आपकी बात मजबूती से रखूंगा। बलवान जी भी आपकी बात मजबूती से रख रहे हैं, प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए जब भी समय मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात होगा, आपके अभ्यर्थियों को साथ और लेके जाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को न्याय मिले, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कुछ नंबरों से रहे हो, आप दुखी हो, चिंतित हो, तो आपका मैं पूरा साथ दूंगा। इसके लिए मैंने स्पेशल उनसे समय मांगा है। दोस्तों जब इनकी ज्वाइनिंग होगी तभी वेटिंग होगी, जो कुछ लोग रह गए वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को कहूंगा कि इनकी ज्वाइनिंग के आदेश 22 तारीख के बाद यानी कि मार्च एंड में हो जाएंगे और 15 अप्रैल तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों की जल्द से जल्द वेटिंग निकलवाकर आप लोगों को खुशी देने के लिए जो वेटिंग का इंतजार करें। अब बात करता हूं मैं दोस्तों आरएस 2018, दोस्तों आरएस 2018 की जो 18 तारीख को सुनवाई है और 18 तारीख को सुनवाई है, आरपीसी के अधिकारियों से मेरी बात हुई है और इस संबंध में सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी भर्ती को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके स्पेशल सेक्रेटरी आरपी डोगरा जी और ललित कुमार जी खुद एडवोकेट जनरल से जाकर मिल गए, इसलिए आरएस भर्ती 2018 भी प्रमुख है, कृषि प्रेक्षक है, महिला सुपरवाइजर है, प्रयोगशाला सहायक जो 3-4 भर्तियां उलझी हुई है अधीनस्थ बोर्ड की, इन भर्तियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल कहा है कि आप इनको गंभीरता से लेते हुए इन भर्तियों का निस्तारण कोर्ट से करवाए। तो उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी साहब एडवोकेट जनरल साहब से मिल के आए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इन भर्तियों को जल्द से जल्द कोर्ट में निकाला जाए। तो दोस्तों आरएस 2018 की जो 18 तारीख को सुनवाई है उसमें कोर्ट का जो आदेश था कि फाइनल मेंस का परिणाम कोर्ट के बिना अनुमति नहीं निकाला जाए, तो वो वहां कोर्ट में पक्ष रखेंगे कि साहब परिणाम तैयार है, वो अनुमति मांगेंगे। तो दोस्तों अब सबकी निगाह आरएस 2018 के अभ्यर्थियों की 18 तारीख पर है। तो दोस्तों मैं तो इतना प्रयास कर सकता था, मैंने आरपीएससी में अधिकारियों से आपकी बात मजबूती से रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी के सामने रखी, अब वो खुद वहां जाकर एडवोकेट जनरल से मिलकर आए हैं। तो दोस्तों जितना प्रयास हो चुका आरएस 2018 के लिए भी मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों एलडीसी 2013 पंचायत राज, दोस्तों एलडीसी पंचायत राज 2013 की जो फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी ही फाइनल निर्णय लेंगे, कई अभ्यर्थियों को लगातार फॉलो मैसेज आते रहते हैं। दोस्तों मैंने 487 के अलावा और भी मामले हैं, उनके लिए जब मैं समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा, यदि मुझे समय मिलता है तो दोस्तों मैं पूरी मजबूती के साथ एलडीसी 2013 के बाद कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि आपने 4 मार्च को घोषणा की थी, आपने फेसबुक डाला था और इस भर्ती की आपकी घोषणा एक बड़ी
आपने एक उपलब्धियां दी थी बेरोजगारों को, वो उपलब्धियां दी है, तो मजबूती से आपकी बात रखूंगा मैं। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के लिए मैंने पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको कह दिया था कि मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री सचिव साहब को इस बात से अवगत कराऊंगा, मैं खुद मिल गया था अवगत कराया था, उन्होंने बीकानेर निदेशालय के अधिकारियों को यानी कि निदेशक मोदी जी को फोन कर दिया था। और इसमें यही है कि अभी जो 16 तारीख से जो फॉर्म आरपीएससी जो बीकानेर निदेशालय पहुंचा रही है उसकी जांच होगी, और जांच के बाद आपसे इन चयनित अभ्यर्थी विकल्प मांगे जाएंगे मंडल के लिए। तो दोस्तों कार्य शुरू हो गया, जहां तक एक परिणाम आना है जो आने वाले वीक में आएगा, जो SST का परिणाम बाकी है, अन्य विषयों का परिणाम आ गया, लगातार हमारे साथियों ने अजमेर में धरना दिया और वो परिणाम आए हैं, जहां भी आवश्यकता, मैं खुद 3 बार वहां जाके आया था और लगातार मैं आपकी बात सचिवालय में उठाता रहा हूं, लगातार मैं कॉल कराता रहा हूं, इस बार भी मैंने कॉल कराया कि मंडल आवंटन जल्द से जल्द हो, उसे जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो। तो दोस्तों अभी 16 तारीख से जांच होंगे आवेदनों के, उसके बाद मंडल की प्रक्रिया होगी, विकल्प दिए जाएंगे, तो जहां तक सहयोग होगा मैं आपका लगातार कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। अब एक इश्यू जो बचा हुआ है दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2016 उर्मिला कुमारी वाला, रीट शिक्षक भर्ती 2017 संस्कृत बाघ वाला, और रीट शिक्षक भर्ती 2018 एक और सूची वाला, जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों उर्मिला कुमारी और संस्कृत बाघ वाले मामले में जहां तक जो अधिकारियों का मानना है, उन्होंने अपील का फैसला लिया है। दोस्तों स्पेशल इसी मामले को लेकर मैं खुद एक बार मिला हूं, कोशिश की है कि एक बार फिर बीकानेर अधिकारियों के साथ एक बार फिर पुनः मीटिंग करें, एक बार इस फैसले पे पुनः विचार करें, क्योंकि ये मामले मानी 2016 हो 17 हो 18 कोई भी, सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी तो 100% याचिका खारिज होगी, सरकार का समय और पैसा बर्बाद होगा। तो इस संबंध में क्योंकि जो 487 का भी मामला है, 2018 वाला भी है, क्योंकि जो 16 भर्ती को चैलेंज करेंगे तो 18 को भी चैलेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों हम सबको मिलकर इसका रास्ता निकालना होगा। तो अब मैं मंगलवार को पुनः स्पेशल सेक्टर साहब से मिल रहा हूँ, सीएम साहब से जो मैंने समय मांगा है, जिसमें 487 वाला मामला अहम है, जो तमाम क्योंकि मैं बेरोजगार महासंघ चलाता हूं तो सबकी आवाज उठाना मेरा फर्ज है, हालांकि अब जिम्मेदारी कम है, रविंद्र के पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, तो 2016, 17 और 18 जो 16 और 17 में जो फैसला लिया है उसको पुनर्विचार किया जाए, उस फैसले को वापस रद्द किया जाए और सूची निकाली जाए, जिससे बेरोजगारों को राहत मिलेगी और अभ्यर्थियों को भी राहत तो मिलेगी, लेकिन सरकार को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार का पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि 100% सरकार सुप्रीम कोर्ट में 2016 में जाती याचिका पहली सुनवाई में झटके के साथ खारिज हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद 2017 वाला भी वही हाल होगी, 18 वाली भी होगी। दोस्तों 18 वाले मामले में 18 तारीख को सुनवाई है, अब इंतजार देखो, कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, हर बार हर तारीख की आस लगाते इस दिन हो जाएगी, लेकिन जो पिछला फैसला आया था उस फैसले से आपको भी स्पष्ट हो चुका है कि वो फैसला हमारी तरफ 100% जा रहा है, अच्छा फैसला हमारे पक्ष में आएगा। मैं खुद भी इस फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी फैसला है, कॉपी आए और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी ले जाके दूं कि आपने कहा था कोर्ट का फैसला ले आइए, और मुख्यमंत्री जी की स्पेशल सेक्रेटरी को भी दूंगा, सेक्रेटरी को भी दूंगा कि साहब ये फैसला आ गया, अब लिस्ट निकाल दीजिए। तो दोस्तों 18 वाले के लिए हमें कोर्ट का इंतजार है कि कब वो फैसला है, 16 और 17 के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पर पुनर्विचार करके सरकार इस 9 अप्रैल का फैसला ले, और फिर भी सरकार जाती है तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं, जो लोग 2016 और 17 जो एक और सूची से जुड़े हैं, आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के घर देर नहीं है, समय लग सकता, लेकिन जीत हमारी होगी, लिस्ट भी आएगी, सरकार को लिस्ट निकालनी होगी, इसलिए आप लोग, मुझे पता है कि आप 2016 से देख लीजिए 4 साल हो गए, आप भटक रहे हैं, दुखी हो, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी क्या करें, ये सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई मैं खुद लड़ रहा हूँ, कितने दिन 9 साल हो गए, लास्ट में ऐसा लगा कि सिस्टम सुधारने के चक्कर में क्योंकि हम खुद ही हार गए, क्योंकि संगठन चलाना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, कहते नहीं किसी को, कई कारण हैं, आज मैं कभी पीछे हटा नहीं, लेकिन आज मैं अध्यक्ष पद त्यागा उसके पीछे कई कारण है, बताने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी जहां तक मैं मदद हो गया आप लोगों की मदद करूंगा, और मंगलवार को फिर मिल रहा हूँ इसी संदर्भ में कि पुनर्विचार की जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा। तो दोस्तों इन तमाम इश्यू को लेकर मैं आपके बीच में था।